मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो एनी मास्क। सो व्हाट इज एनी मास्क? एनी मास्क हम क्रिएट करते हैं जब हम एनिमेशन में काम कर रहे होते हैं तो कोई और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना हो जाए। सो इसीलिए हम उस मास्क को करते हैं ऑन और एक्टिवेट। ठीक है, तो हाउ टू क्रिएट मास्क? सो यहाँ पर ऊपर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, एंड यहाँ पर अगर आप इन सिलेक्शन को कर दोगे ऑफ, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ ऑफ किया ज्वाइन सिलेक्शन, तो यहाँ पर यहाँ पर जो री ज्वाइन है वो सिलेक्ट नहीं होगा। सो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ राइट क्लिक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्केलेटन ज्वाइन सिर्फ एक ऑप्शन दिखा रहा है, और अगर मैं करता हूँ यहाँ पर तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सिलेक्शन हैंडल एंड आई के हैंडल, जो कि मुझे जरूरत नहीं है एनिमेशन करते टाइम। सो मैं इसको भी कर दूंगा बंद, एंड यहाँ पर साइड में देखने को मिलेगा और ऑप्शन, और मैंने और एक ऑप्शन। सो इस पर करना है राइट क्लिक, एंड यहाँ पर दिखाएगा कर्व ऑन सरफेस पॉइंट इफेक्ट स्ट्रोक पेंट इफेक्ट स्ट्रोक एक्चुअली। सो ये तीनों की हमें जरूरत है। सो मैं इसको करूंगा राइट, मतलब इसको रखूंगा ऑन, एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा ज्योमेट्री। सो अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे सारे कुछ जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं इसको कर दूंगा ऑफ, यानी पर करूँगा राइट क्लिक लेटरेस हैंड टेन नॉन लीनियर वगैरह। सो मैं इसको भी कर दूंगा ऑफ, मुझे जरूरत नहीं है, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सारे इफेक्ट्स वाले। सो मुझे भी नहीं चाहिए ये, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेंडरिंग स्टफ जैसे कि लाइट कैमरा, ये भी मुझे नहीं चाहिए। एंड यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे करूंगा क्लिक, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोकेटर एंड वगैरह वगैरह। सो मुझे चाहिए लोकेटर, सिर्फ मैं लोकेटर को कर लूंगा ऑन, एंड यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो मैं क्या करूंगा, मैं अब यहाँ पर साइड में आपको देखने को मिलेगा छोटा सा डॉट, सो इस पर करना है क्लिक, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑल ऑब्जेक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ, एंड यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा सेव टू सेल, सो इस पर करना है क्लिक, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो गया है मास्क नाम पे एक माया आइकॉन। सो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ सारे ऑल ऑब्जेक्ट ऑन, एंड यहाँ पर करता हूँ मास्क पे क्लिक, तो आपका जो एनी मास्क हमने क्रिएट किया है वो मास्क हो जाता है ऑन। सो एनीवेज इसको आप रीनेम कर सकते हो, प्लस आप इस तरह से कस्टमाइज कलर भी दे सकते हो और कस्टमाइज आइकॉन भी दे सकते हो और कस्टमाइज नेम भी दे सकते हो। सो सिंपली आपको करना है राइट क्लिक, एंड यहाँ पे करना है एडिट, एंड यहाँ पर जाना है स्लेव सेल्फ, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मास्क नेम यानी कि आइकॉन लेवल। सो यहाँ पर आप नेम चेंज करोगे नेम हो जाएगा, आइकॉन कलर चेंज करोगे तो कलर चेंज हो जाएगा। आप चाहते हो कि बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो ये आइकॉन का जो ये लेवल है ये बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा, एंड आप चाहते हो इस माया आइकॉन का यानी कि इस जो माया लोगो का है इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए, ये भी यहाँ से चेंज हो जाएगा लाइक दिस। सो यहाँ पे आप कर सकते हो, एंड सिंपली उसके बाद करना है सेव ऑल, दैट्स इट, हो गया, और आपने क्रिएट कर लिया है एनिमेशन मास्क। सो हैव अ नाइस, कांग्रेचुलेशन, हैव अ नाइस डे।